बिल्कुल ये चेक करें, नया मकान था, ये क्या हाल है। तो ये इसकी ये टूट के अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, ये टूटा देखें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि मुझे देखने वाले सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट शबाज़ एजाज, प्यार से मुझे शबू भी कहते हैं तो आप भी कह सकते हैं। तो आज का व्लॉग करते हैं यहाँ से शुरू। गाइस आज है सैड न्यूज़, एक वो सैड न्यूज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, दिखाता भी हूँ। तो चलते हैं उधर, ये चेक करें गाइस जहाँ जा रहे हैं। जो सैड न्यूज़ है ना वो मैं दिखाता हूँ आपको क्या है। अभी जाएंगे इस जगह पे, आपको दिखाएंगे पूरा यहाँ पे क्या हुआ, क्या सैड न्यूज़ है, हम पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे। शूज़ वगैरह हमने लॉन्ग पहने, ये चेक करें। तो चलते हैं यहाँ से, दिखाते हैं आपको क्या हुआ। ये हमारी बीतल बकरी कितनी कमज़ोर है, मुझ पे गई है गाइस। तो चलते हैं गाइस, यहाँ से जाना है वो ऊपर, हमने इस मकान की तरफ जाना है हमने। तो चलते हैं यहाँ से, कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है वो हमें ही पता है। इतना नुकसान हुआ इस दफ़ा ना, हम आपको कह नहीं सकते कि कितना एक नुकसान हुआ है। तो इधर गांव में रहने के हम बहुत मुश्किल से रहते हैं, तो हमारा तो फिर भी ठीक है, हम नीचे की साइड रहते हैं, जो इधर ऊपर वाली साइड रहते हैं इस तरह की जगहों पे ना, उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यह है मेरे कज़न का मकान, तकरीबन एक साल हुआ था इस मकान को बनाया था, बिल्कुल नया था, नया। अब हम आपको पूरा दिखाएंगे इसका क्या हुआ है क्या नहीं। ये टूट चुका सारा, जितना भी मकान था ना ये टूट गया। ये जितनी भी ज़मीन है ना ये चल के आई है इसके पीछे, ये चेक करें, ये पूरा डैमेज हो चुका है गाइस। मैं सारा अंदर से भी दिखाता हूँ आपको गाइस, बड़ी मुश्किल के साथ यहाँ पर रहना पड़ता है। ये चेक करें गाइस, ये टूट गया सारा, ये नया मकान था, बिल्कुल नया, बिल्कुल ये चेक करें, नया मकान था, ये क्या हाल है। तो ये इसकी ये टूट के कोई हाल ही नहीं इसका, बिल्कुल नया मकान था, बिल्कुल 10 दिन हुए थे इनको ये सिर्फ मकान में रह रहे थे, सिर्फ 10 दिन में पता नहीं अल्लाह पाक की कोई नाराज़गी है क्या। अभी और दिखाते हैं आपको इधर, ये चेक करें गाइस, ये पीछे से सारी दीवार चल के ना इस मकान की क्या हालत हुई है, ये चेक करें, ये सारा कुछ निकल गया इस गाइस, ये चेक करें, एक बाहर निकला टूटा देखें। ये चेक करें गाइस, बिल्कुल नया मकान था, ये चेक करें, अभी बोर्ड वगैरह लग रहे थे नए के, लाइट वगैरह, बस अल्लाह पाक के। अभी इसको वापस से क्या नाम देते, खोल रहे कहीं कि सारा ना चला जाए। अब इसको ना क्या नाम देते हैं, जो इसकी छत वगैरह है ना वो निकाल के, इसकी जो चादरें वो निकाल रहे हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये उतार रहे हैं इससे चादरें, ऐसा ना करें इतनी यहाँ से, ये जो ज़मीन सारी निकल रही है ना, तो ये मकान सारा नीचे चला जाएगा। तो इस वजह से जो ये चादरें वगैरह लगी हैं, लकड़ी हैं, तो ये निकालेंगे तो कम से कम थोड़ी सी बचत तो होगी, थोड़ा नुकसान कम होगा। बाकी इस मकान की कोई हालत नहीं, ये गया पीछे से, ये दीवार इधर पीछे तक थी इधर, ये अब इसके ऊपर आके गिरी है ना, तो मकान आगे से निकल गया, आगे से बहुत ही पहाड़ी पे एक डाके पे ये मकान बना हुआ। अब इसकी छत उतारें वो भी हम आपको दिखाते हैं, तो हम भी ऊपर जाते हैं उतारते हैं। ज़मीन फट चुकी है, दराड़ें पड़ी हुई हैं ज़मीन, ये चेक करें कितनी एक बड़ी बड़ी दराड़ें, कितनी मुश्किल के साथ यहाँ पे रहना पड़ता है, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। हाँ अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। तो अब इसका क्या हाल है, ये ठीक कर रहे हैं जो ये चादरें उतार रहे हैं? नहीं, ये स्लाइडिंग एरिया ठीक नहीं कर रहे, मकान ही यहाँ से खरीद के ले जा रहे हैं। हाँ ना वही ना, चलो थोड़ा सा नुकसान कम होगा, ये चादरें इसलिए उतार रहे हैं ताकि नुकसान कम हो जाए। तो गाइस चादरें इसलिए ये निकाल रहे हैं ना, ताकि ये जो जितनी भी लकड़ वगैरह, जो साफ लकड़ है, महफूज लकड़ है, वो बच जाए, बाकी नुकसान तो हो गया सारे मकान का। अब हम भी जाते हैं इनके साथ हेल्प करते हैं। ये चेक करें, ओह गाइस ये चेक करें यहाँ से, अगर ये अल्लाह ना करे ये मकान चला गया, वो नीचे जाके कहीं लगेगा। इधर गैप है बिजमार से, अल्लाह ना करे यहाँ से अगर मकान चला गया वो नीचे कहीं जाके लगेगा, अल्लाह ना करे।
खाली तले अगा ही शिकस्त करी मोरत पटा हो जीत हजूर जरे को लाल चार गाइस चादरें वगैरह हमने सब उतारी हैं, अब उतारनी है सारी लकड़ियाँ। ये सारी लकड़ियाँ मकान यहाँ इस जगह पे रहेगा नहीं, ये जगह निकल रही है ना, अब ये सारा मकान यहाँ से ये जितनी भी लकड़ियाँ लगी हैं उतारनी होगी। आप सारी छत ऊपर से उतार दी, लोग वगैरह सब घर को चले गए हैं, छत वगैरह हमने उतार दी है सारी, तो बाकी का काम कर लोग छत वगैरह उतार दी हमने, तो कि आपको पता चल गया होगा कि कितनी मुश्किल लाइफ होती है हमारे यहाँ इधर गुजारनी। तो बाकी हम भी चलते हैं, तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तो अल्लाह हाफिज़।